बीआरएस पार्टी को मिली बड़ी राहत। केसीआर की बेटी के कविता को 5 महीने 15 दिन के बाद आज उनके घर पर जश्न का माहौल दिखा गया। बीआरएस पार्टी के जिम्मेदारों और लीडर्स ने हाईटेक टीवी से बात करते हुए कहा है कि बीजेपी पार्टी की कोशिश नाकाम हो गई है। आइए देखते हैं ये खसूसी रिपोर्ट। चूसिनम विन्नम अभी भारत देश चरित्र अयिना तेलंगाणा चरित्र अयिना न्यायबद्धमैनटुवंटि पोराटम धर्म पोराटम विजयं साधिस्तुंदि। ना विषयंलो कूडा एटुवंटि तप्पु चेयलेदु काबट्टि खच्चितंगा ఒక రోజు న్యాయం గెలుస్తది, ఒక రోజు ధర్మం గెలుస్తది, నిజం నిలకడ మీద తెలుస్తది అని నేను తెలంగాణ ప్రజలందరికీ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఆ రోజు కోసం ఖచ్చితంగా పోరాటం చేస్తూనే ఉంటాం। ప్రజాక్షేత్రంలో ఇంకా బలంగా పనిచేస్తాం। కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి అనేక పోరాటాల్లో కూడా పాల్గొంటాం। అల్టిమేట్ గా ఏ తప్పు చేయనటువంటి నేను కడిగిన ముత్యంల ఈ అపవాదులన్నిటి నుంచి కూడా బయటికి వస్తాను అనేటటువంటి విశ్వాసం నాకున్నది। థాంక్యూ। జై తెలంగాణ। कविता गारु साढ़ा पंच के बाद में, साढ़ा पंच महीने के बाद में जेल से आ रहे, चल खुशी की बात है। पूरा कंप्लीट बीआरएस पार्टी वेलकम कर रहे, जागृति कार्यकर्ताओं लीडर्सों पूरा सबको सबसे सब वेलकम कर रहे। अब खुशी की बात है, बीआरएस पार्टी डेवलप होता, बीआरएस पार्टी के लिए अच्छा होता। ऑलरेडी सब्जन तेलंगाना पीपल पब्लिक पूरा कंप्लीट खुशी में है, और बीआरएस पार्टी कार्यकर्ता और जागृति कार्यकर्ता और पूरा कंप्लीट तेलंगाना पब्लिक पूरा कंप्लीट खुशी है। खुशी की बात है, वो लिकर स्कैम में निये बोले तो भी नहीं सुने, वो ना बोल के बीजेपी पार्टी अंदर डाले, इसलिए जजियम सुप्रीम कोर्ट जज बेल दिया, इसलिए वो सब खुशी में है। कांग्रेस पार्टी की भी नज़र बीआरएस फैमिली के ऊपर है, बहुत सारे चीज़ों में इन्वॉल्व है। बोल तो जैसा इलेक्ट्रिसिटी बिल बैलेंस रख के चले गए, या फिर जो ज़मीनों के मामला थे उसमें भी सारे बहुत सारे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्हें रूलिंग रेवंत रेड्डी की रूलिंग करने की ताकत नहीं है, उनका अक्ल नहीं है, उनका वो काली पीली डेली केसीआर का ऊपर, केसीआर के फैमिली के ऊपर जो डेली वो कुछ ना कुछ बोल के टाइम पास कर रहे। उन्होंने बहुत सारे 420 हामिस दिया, वो 420 हामिस एक हामी भी नहीं निभा रहे, इसलिए उन्हें होना बोल के पब्लिक को डाइवर्ट करने के लिए ऐसा बोल रहे। नहीं नहीं तो 10 साल अच्छा हुकूमत चला है ना भाई केसीआर साहब, कितना उम्मत का देशम से 29 स्टेट्स में एक नंबर वन स्टेट बना के गया। अभी ऐसा बोले तो कौन सुनता, देखो 9 मंथ्स हो गए, ऑलरेडी 65,000 करोड़ कर्जा लाया, वो अभी क्या कर रहे, 65,000 करोड़ का कर्जा ला के क्या करे, कुछ नहीं करे 9 मंथ्स में, कुछ भी नहीं करे देश राष्ट्र के लिए, राष्ट्र पब्लिक के लिए। ओनली होना बोल के डाइवर्सन के लिए ऐसा नया नाटकन कर चला रहे। जो बिल मिली कविता मैडम को, ये बीजेपी वालों को क्या जवाब देना चाहेंगे? बीजेपी वालों को अक्ल नहीं है, वो बंडी संजय का अक्ल नहीं है, उनको असल उन्हें लीडर नहीं है, उन्हें कुछ नहीं है। होना बोल के वो जजमेंट के लिए लेगा, वो कुछ ना कुछ गलत बात बोल रहे हैं, कंटेम्प्ट होता। और बीजेपी वालों को होना बोल के केसीआर साहब को, केसीआर साहब बेटी को कुछ बीआरएस पार्टी कुछ करना बोल के ऐसा कविता को अंदर डाले, कुछ भी नहीं करे। वो अल्टीमेटली अपन कविता अच्छे के लिए आया, अच्छा बेल भी लाया, वो बहुत खुशी का बात है। 100% मैं स्वागत वेलकम कर रहा हूँ। थैंक यू। बिल्कुल इंशाल्लाह, कविता का हमारे कैसे गए वैसे आ रहे। आज जो भी राजनीति करे, सियासत में उनको अरेस्ट करे सो है। बापू केसीआर जो है अपने तेलंगाना के जो लाए सो केसीआर, उनके ऊपर जो गुस्सा निकालना उनके बेटी पे निकाले सो है। और जो भी है एक गलत पाँच महीने में उनका एक भी गलत खाली मुंह से बात करे सो ही उनको उसके ऊपर अरेस्ट करे सो है। उसके बाद में भी सुप्रीम कोर्ट उन लोगों को बोलते ना चप्पल के वो जवाब देके उनको छोड़े सो है। आज पूरे तेलंगाना में आज औरत और कवातीनों सब जने खुशी से है, बहुत खुशी से है, और वो खुशी जाहिर करने के लिए यहाँ पे उनका देख रहे सो है पब्लिक पूरा तेलंगाना में। आज तेलंगाना में क्या चल रहा, आज बीजेपी और कांग्रेस मिलके आज कविता का को अंदर डाले सो है। मगर सुप्रीम कोर्ट जो भी न्याय जो भी बोले वो सही बोल के उनको एक औरत बच्ची को अंदर बाहर छोड़े सो है। कांग्रेस पार्टी की भी बहुत नज़र है बीआरएस फैमिली के ऊपर, कांग्रेस पार्टी भी बहुत एलिगेशंस लगाई सो है। लैंड्स रहो या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का रहो या कर्जा रहो,
बोल रहे हैं, कांग्रेस कितने साल से वो कर रहे सो है, हुकूमत कर रहे सो है, बीआरएस एक 10 साल हो रहा, कांग्रेस 60 साल से कर रहे सो है, फिर ये 60 साल में हुकूमत में तेलंगाना में बीआरएस है क्या और कांग्रेस है? इससे पहले उन लोगों ने दिए सो है ना, पूरे जो भी है हुकूमत उनके हाथ में था, वो पूरा गलतियां करके आज उन लोग आके हम लोग गलतियां नहीं है आज बीआरएस करे बोले तो कहाँ तक है? पब्लिक पूरे लोग जागे सो है, पढ़े लिखे सो है, आज पूरे पब्लिक भी देख रही सो है कौन से हुकूमत में ये लैंड्स करे सो है, उन लोगों को पब्लिक को मालूम है आज जो भी ये कर रहे केस बचाने के लिए, पब्लिक को दूसरी नज़र लेके जाने के लिए काम कर रही कांग्रेस। और रेवंत रेड्डी क्या समझ रहा बोलते, उन्होंने बहुत बड़ा ये फिल्मा देखते रहता ना, आंध्रा का है उन्होंने, चंद्रबाबू नायडू का गुलाम है वो फिल्मों का देख के यहाँ तक कर रहे सो है, इससे उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और आज भी तेलंगाना में उनको कविता का को भी रहें दो, केसीआर को भी रहें दो, केटीआर साहब को भी रहें दो, कितना तेलंगाना लाए से लोगों को भूलने का नहीं है। ये रेवंत रेड्डी आज दो दिन रहता फिर कब किस में जाता किसको भी नहीं मालूम है। बीजेपी को क्या कहना चाहेंगे जो चार्जेस लिखकर स्कैम के चार्जेस लगा के जो 5.5 महीने खराब करे सो है, बंडी संजय को क्या जवाब देना चाहेंगे? बंडी संजय और मोदी को कांग्रेस ये पूरे मिले सो है, मिल के कविता का को इतने दिन खाली हरासमेंट करे सो है, और केसीआर जो बापू है उनको एक तकलीफ देना बोल के उनके बेटी अंदर है तो उन्होंने तकलीफ में बीजेपी में आना और उनको जैसा झुका नहीं सक रहे, गलतियां नहीं दिख रहे उन लोगों को, वो गलतियां नहीं दिख रहे बोल के बेटी को अंदर डाले सो है, उसके ऊपर उन्होंने नहीं झुके। आज न्याय बोले तो जो क्या बोलते न्याय आ गया, बस सुप्रीम कोर्ट में कोई भी किसको भी नहीं देखती, कौन सा भी पार्टी नहीं जो वो करती, हाई कोर्ट तक चला लिए, सुप्रीम कोर्ट में जो जज है उन लोगों को वो अच्छा मुँह जवाब दे के अक्का को बाहर निकाले सो है। आज समंदर में मोती के जैसे अक्का फिर अपने हमारे अक्का हमारे बीच में आ रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।